दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा सामान कैसे रखा जाए। किचन में हम किस तरह से सामान को ऑर्गेनाइज करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपका किचन छोटा है, जैसे कि मेरा किचन छोटा है, तो मैं अपने स्पाइस ऑर्गेनाइज़र को कैसे यूज़ करती हूँ और कैसे सारे स्पाइसेस को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो ये जो स्पाइस ऑर्गेनाइज़र है ये बहुत ही अफोर्डेबल है और इसे मैंने अमेजोन से ख़रीदा है। सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सो ये है बेसिक ऑर्गेनाइज़र जो कि हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, या तो प्लास्टिक के डब्बे में या तो फिर स्टील के डब्बे में। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में हम इस तरह से सारे मसालों को रखते हैं। मतलब अगर आपको मसाले रखने हैं, जैसे हल्दी हुआ, गरम मसाला, चाट मसाला, सांभर मसाला, तो इस तरह से प्लास्टिक के ऑर्गेनाइज़र में या फिर स्टील का कंटेनर भी अवेलेबल होता है, उसमें आप रख सकते हैं। सो इस ऑर्गेनाइज़र में आप जो मसाले हैं उनके ऊपर इस तरह से नेम प्लेट लगा दीजिए, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो कि मसाला कौन सा किधर रखा है। बीच में जो है मैंने हींग को रख दिया है और बाकी सारे गरम मसालों को मैंने साइड साइड में इस तरह से बाइफोगेट प्लास्टिक के कंटेनर में रख दिया है। इसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगी। अगर आपको बाय करना है तो लिंक पर आप क्लिक करके बाय कर सकते हैं। सो ये ऑर्गेनाइज़र ये बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिलता है, अवेलेबल होता है ऑनलाइन, आप एनी टाइम बाय कर सकते हैं, और आई थिंक ये सबके घर में अवेलेबल होता है। तो ये था मेरा ऑर्गेनाइज़र प्लास्टिक का जो गरम मसालों के लिए था, और जो सूखे मसाले होते हैं उसके लिए मैं आपको एक अलग ऑर्गेनाइज़र बताती हूँ। ये है वो ऑर्गेनाइज़र सूखे मसालों के लिए। अगर आपके पास जो सूखे मसाले हैं, जैसे कि इलायची हुआ और जीरा, मोरी मीन्स राई, मेथी, सौंफ, तेजपत्ता, करी पत्ता, जो सूखे सारे मसाले होते हैं उसको इस तरह से आप इस कंटेनर के अंदर रख सकते हैं। ये जो कंटेनर मैं आपको दिखा रही हूँ ये फ्लोरावेयर का कंटेनर है और बहुत ही अच्छा कंटेनर है। इसको इस तरह से आप राउंड राउंड भी कर सकते हैं, और इसके अंदर 16 डब्बे हैं और सारे डब्बों की प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप बाय कर सकते हैं। और ये जो ऊपर कुछ दिख रहा है आपको, ये जो चिड़िया जो लगी हुई है इस पर, ये एक फॉग है, फ्रूट्स खाने वाला फॉग जो इसके साथ फ्री आता है, जो इसके ऊपर इस तरह से लगाने के बाद बहुत ही अच्छा दिख रहा है। मतलब ये एक ट्री कंटेनर है जिसका शेप ट्री की तरह है और साइड साइड में सारे पत्ते कंटेनर के रूप में। तो ये जो कंटेनर है इसे आप इस तरह से घुमाएंगे ऊपर, तो इसके अंदर तीन आपको होल दिखेंगे जो कि कुछ बड़े हैं, ये बड़े वाले हैं, और इसके बाद थोड़ा और घुमाएंगे आप तो इसके अंदर छोटे वाले साइज़ में आपको होल दिखेंगे, उसके बाद एक बड़ा सा मीन्स ये देखिए, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, एक बड़ा सा होल दिखेगा जो कि अगर उसके अंदर से नहीं निकल पाते हैं वो छोटे छोटे होल में से, तो आप इस तरह से बड़े होल में से भी आप जीरा या राई आप निकाल सकते हैं। मतलब डब्बे खोलने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसको मतलब बहुत ही इजीली इस तरह से डाल भी सकते हैं ट्री के अंदर। तो ये जो कंटेनर है ये बहुत ही इजी और बहुत ही कम स्पेस लेता है और ज़्यादा सामान आपका स्टोर करता है। जैसे मैंने इसमें आपको बताया 16 डब्बे हैं, किसमें मैंने इलायची रख दी है, ये काली इलायची, किसी में जीरे रखे हैं, सौंफ रखे हैं, मेथी रखा है। तो इस तरह की चीज़ें जैसे कि होती है किचन में, आपको सारी जगह मतलब सारी चीज़ें एक जगह पर चाहिए, तो आप इस तरह का कंटेनर बाय कर सकते हैं। ये मैंने बाय किया था अमेज़ॉन से, अमेज़ॉन पे इसकी प्राइस कुछ 485 या 460 के आसपास है, जिसके लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर लीजिए। आप इसे इजीली राउंड करके, मतलब जब भी आपको ज़रूरत हो आप कोई भी सामान निकाल सकते हैं और इजीली इसके अंदर डाल भी सकते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये बहुत इजी है, स्पेस भी कम लेता है। मैंने इसे अपने किचन के एक और इस तरह से रख दिया है, स्टैंड के जस्ट बगल में मैंने इसे रखा है, क्योंकि ये स्पेस मेरा खाली था तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने यहाँ रख दिया।
किचन बहुत ही अच्छा भी दिखता है। सो ये वीडियो थी मेरी स्पाइस ऑर्गेनाइजर की, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।